ये देखिए फ्रेंड्स, नवरात्रा स्पेशल में मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ कितनी खस्ता करारी फूली फूली सी पूरी की रेसिपी। ये देखिए कितनी लग रही ना, कितनी यम्मी सी हमारी पूरी फूली फूली सी, खाने में इतनी टेस्टी और बनाने में है ये बिल्कुल ही आसान। ये देखिए इसके लिए मैंने लिया है मैंने साबूदाने का इसमें इस्तेमाल कर लिया है, 3 मैंने इसमें वो लिए हैं उबले हुए आलू का मैंने इस्तेमाल कर लिया है। और फ्रेंड्स इसकी खास बात ये है, ना ही आपको साबूदाना भिगोना है ना ही कोई झंझट, और बनाने में इतनी आसान, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी ये हमारी खस्ता और करारी पूरी बन के तैयार होने वाली है। बातों ही बातों में ये देखिए साबूदाने को हमने जो है भून लिया है। ये देखिए साबूदाने को भूनने के बाद आपको जो है इसको पीस लेना है, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है फ्रेंड्स, इसको चलाते रहना, धीमी आंच पे आपको इसको भूनना है। आलू को हम कर लेंगे कद्दूकस। ये देखिए हाथों से मैश करके बिल्कुल भी ना ढाले, जो इसमें चंक्स रह जाएंगे वो खाने में बिल्कुल भी मज़े नहीं आएंगे और हमारी पूरी है वो फूली फूली और खस्ता बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। ये देखिए आलू को हमने कर लिया अच्छे से क्रश। और ये देखिए मैं इसमें डालने वाली हूँ काली मिर्च, 1 चम्मच करीब मैंने इसमें काली मिर्च डाल ली है। जीरा डाल लिया मैंने इसमें 1 चम्मच। और अगर आप किसी भी मसाले का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसे हटा सकते हैं अगर आप इस नवरात्रा में इसको खाना पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद मैंने डाली इसमें हरी मिर्च, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाल लिया है नमक, इसी में मैंने नमक भी मिक्स कर रखा है। ये देखिए उसके बाद आती भाई फाइनली सबसे ज़्यादा टेस्टी धनिया की बारी आती है। धनिया जो इसमें टेस्ट देने वाला सबसे अलग टेस्ट होने वाला है फ्रेंड्स, तो धनिया प्लीज़ जरूर डाली। इसके बाद मैंने डाला इसमें जो साबूदाना मैंने बताया था कि मैंने पीस लिया है, उसके बाद मैंने इसका जो एक डो लगा के अच्छे से तैयार कर लेंगे। पानी आपको एकदम नहीं डालना है, ये देखिए जैसे कि मैं डाल रही हूँ थोड़े छींटे दे देकर आपको वैसे ही डालना है। ये देखिए अभी मैं पानी डालने वाली हूँ, मैंने लगभग 1 गिलास के करीब मैंने पानी ले लिया इसमें और हमारा आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पानी स्मल में हो चुका है इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स अच्छे से हाथ उसको संभल मल के जो है हमें गूथ लेना है। ये देखिए हमारा जो आटा वो अच्छे से हो चुका है, 10 मिनट का मैंने इसमें रेस्ट दे दिया, रेस्ट देना बिल्कुल भी ज़रूरी है फ्रेंड्स, रेस्ट जरूर दें आटे को। ये देखिए उसके बाद जो ये चिपचिपा सा बना हुआ हाथों पे चिपक रहा है उसकी को ख़त्म करने के लिए मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा ऑयल। ये देख सकते हैं आप ऑयल, घी भी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अच्छे से देखिए कितना सॉफ्ट हमारा आटा बन के तैयार हो चुका है। आपको मोटी पतली जैसी भी लोई चाहिए आप ऐसे लोई बना ले, मैंने इसमें बना चुकी हूँ मैं इसको लोई। ये देखिए चकले बेलन की सहायता से या हाथों की सहायता से आप इसको बेल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल हमारी अच्छे से पूरी अच्छे से तैयार हो चुकी है। बड़ा छोटा साइज जैसा भी आपको चाहिए आप वैसा ही इसको बना सकते हैं। ये देखिए कटोरी की सहायता से जो इसके फटे हुए पार्ट को मैं हटा दूंगी और अच्छी हमारी गोल सी क्रिस्पी सी पूरी निकाल के तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी पूरी निकल के तैयार हुई है। ये देखा ना फ्रेंड्स आपने, जल्दी जल्दी हमारी कितनी अच्छी और खस्ता सी पूरी बन के तैयार होने वाली है। बिना किसी झंझट के आज हम बना के तैयार करेंगे इतनी खस्ता करारी पूरियाँ। ये देखिए और फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। आपको हमारी कैसी रेसिपी लगती है हमें ज़रूर बताएँ आपको। ये देखिए उसी के बाद बातों ही बातों में हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है और मैंने जो है फ्राई करने के लिए हमारी पूरियों को डाल दिया है। ये देखिए थोड़ा सा आप इसे टच करते करते जो ये टच करोगे तो आप ये फूल जाएगी पूरी। ये देखिए फ्रेंड्स लग रही ना कितनी खस्ता करारी और भाई चटपटी सी पूरी है हमारी। ये देखिए फूल चुकी है हमारी पूरी, कितनी अच्छे तरीके से फूल चुकी है ये देख सकते हैं आप। और फ्रेंड्स ये देखिए मिनटों में हमारी ये पूरी बन के तैयार होंगी, ना किसी झंझट है, ना साबूदाना भिगोना है, ना और कोई झंझट। और जल्दी से अगर आपको कुछ खाना है, कुछ क्रिस्पी सा खाना है तो इस पूरी को ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, खाने में आपको कैसी लगी। ये देखिए बातों ही बातों में हमारी जो सभी पूरियाँ हैं वो अच्छे से बन के तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी यम्मी और हमारी अच्छी पूरियां लग रही हैं। ये देखिए जीरे के साथ जो दही के साथ मैंने इसमें भुना हुआ ले लिया है और मैं इसको सर्व कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी हमारी पूरी बनके तैयार हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ एक पूरी, हाथों से तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी हमारी पूरी बनके तैयार हुई है।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, वाह भाई वाह, कितनी खस्ता करारी और हमारी अच्छी सी पूरी बनके तैयार हुई है, ये देखिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।